देखिए, दो घुटने का पेन के कई रीजंस होते हैं जो आप बात कर रहे हैं कि एक एज में जो होता है या युवाओं को जो होता है, दोनों में हमें पहले ये डायग्नोज करना होता है कि ये पेन किस लिए होता है। जो एक एज में होता है आफ्टर 50, 55, 60, नॉर्मली इसमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम होता है, इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया। अब गठिया भी दो प्रकार का होता है, अर्थराइटिस भी दो प्रकार का होता है, एक होता है गठिया, एक होता है गठिया बाय, मतलब एक ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसको हम गठिया बोलते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। ये जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बाल सफेद होते हैं, हमारे स्किन पर रिंकल्स, झुर्रियां पड़ती हैं, वैसे वैसे हमारे जोड़ों में जो है जॉइंट स्पेस जो है वो कम होता है। या आप लेमन लैंग्वेज में इसको समझे कि आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई या हड्डियों का बुढ़ापा आ गया, आप ये बोल सकते हैं। और ये एक एज में बड़ा कॉमन है, 50-55 के बाद ये बहुत लोगों को शुरू हो जाता है, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन है जो हर इंसान को एक एज में होनी है। हाँ, ये जरूर डिपेंड करता है कि किसी को कम किसी को ज्यादा। अगर आप लेंगे कोई 70 ईयर्स का कोई मेल या फीमेल, अगर आप एक्सरे कराएंगे उनके, तो उनको जो हड्डियों का अर्थराइटिस है वो थोड़ा बहुत तो जरूर आना है, बट ये डिपेंड करता है कि किसी को कम आएगा किसी को ज्यादा। वो डिपेंड करता है कि आपने अपनी अर्ली स्टेज में, अपने 30-40s में आपने कितना अच्छा डाइट लिया, कितनी अच्छी एक्सरसाइज की, कितना घुटने को यूज किया, ये सब बहुत डिपेंड करता है। जो घुटने में दर्द एक एज में होता है, जिसके लिए डॉक्टर्स नी रिप्लेसमेंट भी बोल देते हैं कि नी रिप्लेस करा दें, ये कोई बहुत मेजर बीमारी नहीं है, आप रिप्लेसमेंट से भी बच सकते हैं अगर आप टाइमली इस पे एक्शन लें। अगर आपके घुटने में दर्द शुरू होता है जैसे ही, तो इमीडिएटली आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें, प्रॉपर डाइट लेना शुरू करें, कैल्शियम लेना शुरू करें, वाइटामिन डी, कॉलेजन, ग्लूकोसामिन, बट गाइडेंस में, किसी नॉलेज, किसी स्पेशलिस्ट की गाइडेंस में ये करें। आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी करें, अगर आप ये करते हैं तो लेटर ऑन आप अपने घुटने की रिप्लेसमेंट बचा सकते हैं, काफी अच्छे चांसेस होते हैं। और जहां तक आपने प्रश्न किया कि युवाओं में जो हो रहा है, देखिए, युवाओं में अर्थराइटिस जो है वो इतनी जल्दी शुरू नहीं होता, 45 से पहले बहुत रेयर चांस होते हैं किसी को हो सकता है किसी का जिसको बहुत कोई मेडिकल, जिसका कंडीशन कोई हिस्ट्री रही हो, लाइक बीपी, शुगर, थायराइड, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, अगर ऐसी कोई मेजर बीमारी है या मेजर किसी बीमारी की दवाइयां ली हैं, जैसे कोविड में लोगों ने स्टेरॉइड से, तो इसमें चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अर्थराइटिस जल्दी शुरू होने के, बट बहुत जल्दी, बहुत यंग एज में होता नहीं है। तो युवाओं में और भी रीजंस हो सकते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, घुटने में कोई इंजरी होना, और भी बड़े सारे रीजंस हैं जो किसी एक्सपर्ट से चेक कराएं अगर पेन होता है यंग एज में। तो जी देखिए, कैल्शियम की हम इसमें सप्लीमेंट्स लें, हम किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करके, डॉक्टर को कंसल्ट करके प्रॉपर डाइट पे वर्क करें। पहले आप देखें, दूध, दही, लोग ये चीजें लेते थे क्योंकि प्योर फॉर्म थी, तो बहुत कैल्शियम डेफिशिएंसीज नहीं होती थी, बट अब ये ज्यादा हो गया, बिकॉज जितना भी हमारा मिल्क है, कर्ड है, ये सब मिलावटी है, बहुत ज्यादा मिलावटी आ रहा है, जिस वजह से उतनी प्योरिटी नहीं है, उतना न्यूट्रिशन नहीं है। तो बेटर आइडिया है कि आप अपने डॉक्टर से या किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके आप सप्लीमेंट फॉर्म में इसको लेना शुरू करें। आजकल मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के सप्लीमेंट्स आते हैं, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स हैं, आप वो स्टार्ट करें, बट फिर मैं ये बोलूंगा किसी की गाइडेंस में करें, खुद ना लें। वो हमारा स्पेशलाइजेशन है एक्यूपंचर से। ये लिगामेंट टूट गया था जो पेशेंट आया था जिसकी आप बात करें, लिगामेंट एक रस्सी होती है घुटने में, इसको जो मेजर लिगामेंट होता है, इट्स कॉल्ड ACL, एंटीरियर क्रूशेट लिगामेंट, ये घुटने के बिल्कुल फ्रंट में होता है। इसका काम होता है नी को स्टेबल रखना, नी को एकदम मतलब इनस्टेबिलिटी से बचाना, इसका काम है स्टेबल रखना। इसमें तीन तरह के टेयर होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। जैसा मैंने कहा, एक रस्सी की तरह है, अगर 20 से 30, एक रस्सी के 20 से 40 के बीच में कुछ धागे टूट गए, तो उसको हम ग्रेड 1 टू 2 लेते हैं। अगर 50% टूट गए तो वो 2 हो गया, 70 के ऊपर जो होता है वो ऑलमोस्ट हम 3 में ही इसको कंसिडर करते हैं कि ग्रेड 3 टेयर हो गया। इसका जो पहले इलाज होता था वो सर्जरी होता था, अभी भी सर्जरी है, 100% जो इलाज है वो सर्जरी है, बट एक्यूपंचर से कई पेशेंट्स हमने देखे हैं, और इसमें हमारा जो सक्सेस रेट रहा है वो 90% रहा है, कि हमने कई लिगामेंट के ऐसे पेशेंट हैं जिनका ग्रेड 3 टेयर था, वो हमने बिल्कुल जीरो किया है। पहले पेशेंट का एक MRI कराया जिसमें ग्रेड 3 आया, 15 या 20 क्लासेस लगी, जिसके बाद दोबारा हमने MRI कराया और उसमें जुड़ा हुआ आ गया। और ये हम पहले भी कर चुके हैं, जो क्रिकेटर है युवराज सिंह के साथ सेम चीज रिस्ट में हुई थी, नॉट नी में, युवराज सिंह जी को नी में हुई थी, सानिया मिर्जा जो टेनिस प्लेयर है उनको रिस्ट में हुआ था, रिस्ट का उनका विदाउट सर्जरी किया था। एक बहुत फेमस गोल्फर है अर्जुन अटवाल, US में है, उनका शोल्डर का टेंडन टूटा था। टेंडन होता है जो एक रस्सी है जो एक मांसपेशी से दूसरी मांसपेशी को जोड़ती है, उसमें भी सर्जरी बनती है, उनके दो टेंडन टूटे थे जो हमने विदाउट सर्जरी रिपेयर किए थे। सो ये हमारा यहाँ पे जो क्लिनिक में स्पेशलाइजेशन है जो हम विदाउट सर्जरी करते हैं। देखिए, समय पे अगर
कोई इंजरी है, लिगामेंट इंजरी या कोई भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, टेंडन इंजरी, लिगामेंट इंजरी, नी में मेनिस्कस होते हैं जो कुशन्स हैं, अगर कुछ भी ऐसा टूटा है तो इमीडिएटली आप किसी ऑर्थोपेडिक को या किसी स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट को जरूर मिलें। अगर हाँ आप समय पर इलाज करते हैं, अगर समय पर सर्जरी भी करते हैं, अगर सर्जरी भी करानी पड़ती है तो सर्जरी के रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। जितनी पुरानी इंजरी हो जाती है और जितना लेट आप उसको करते हैं उतना रिकवरी में टाइम ज्यादा लग सकता है। सो जैसे ही इंजरी हो उसको निग्लेक्ट ना करके किसी अच्छे स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट को आप मिलें या फिर किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक को, उसको विद सर्जरी विदाउट सर्जरी जैसे भी है आप मैनेज जरूर करें, ट्रीट जरूर करें। देखिए हमारे पास बहुत ऐसे केसेस हैं, नॉर्मल पेशेंट्स भी हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर्स भी हैं जो वर्ल्ड वाइड इस टाइम इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया युवराज सिंह, सानिया मिर्जा, तो ऐसे हमारे पास बहुत केसेस हैं जो हमने विदाउट सर्जरी किए हैं।